फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर ये पूछते हैं कि होम और हाउस में क्या फर्क है, यानी कैसे जाने कि कब घर को हमें होम कहना है और कब हमें हाउस कहना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। हाउस रिफर टू अ बिल्डिंग इन विच समवन लिव्स। हाउस मतलब एक ऐसा बिल्डिंग या ईट, मिट्टी, पत्थर, लोहे का एक ऐसा ढांचा जहाँ पर लोग रहते हैं। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि किसी घर को हाउस कहने से हमारा मतलब एक बिल्डिंग से होती है, यानी एक स्ट्रक्चर से होती है, एक ढांचा से होती है जो ईंट, मिट्टी, पत्थर से बनी होती है। लेकिन अगर हम बात होम की करें तो हम कहेंगे अ होम कैन रिफर आइदर अ बिल्डिंग और टू एनी लोकेशन दैट अ पर्सन थिंक ऑफ एज द प्लेस वेयर ही लिव्स एंड बिलोंग्स टू हिम। फ्रेंड्स, वर्ड होम का यूज किसी बिल्डिंग यानी किसी ढांचा होने के साथ साथ हम किसी ऐसे लोकेशन के लिए भी करते हैं जहां कोई सोचता है कि वह उसका आशियाना है, वह उसका घर है और वह वहां पर रहता है। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स, हम उस लोकेशन को भी होम कहते हैं जहां कोई बिल्डिंग ना हो बट लोगों का बसेरा हो। वी यूज होम इन अ मोर पर्सनल एंड इमोशनल वे टू रिफर वेयर समवन लिव्स। फ्रेंड्स, वर्ड होम का यूज एक सिर्फ बिल्डिंग से नहीं होती, एक सिर्फ ईंट, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर के ढांचा से नहीं होती, बल्कि इससे हटकर वह कहीं ज्यादा पर्सनल और इमोशनल होती है जहां लोग रहते हैं। यानी फ्रेंड्स, जंगल को शेर का होम कहा जाता है, चिड़ियाओं का घोंसला चिड़ियाओं के लिए हाउस नहीं बल्कि उन लोगों के लिए होम है। अगर किसी इंसान का बसेरा नाव पर है तो नाव उसके लिए होम है। अगर किसी इंसान का बसेरा रेत पर है तो वह रेत यानी वह लोकेशन उसके लिए होम है। तो फ्रेंड्स, हाउस मीन्स एक बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट, एक स्ट्रक्चर। लेकिन होम एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर से कहीं हटकर होती है। आमतौर पर उस घर को हम होम कहते हैं जिससे हमारा इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको होम और हाउस में फर्क समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।